भारत की राजधानी दिल्ली में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की शनिवार 27 जुलाई को उनके कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से मौत हो गई। हादसा ओल्ड राजन नगर स्थित राउस कोचिंग सेंटर का है। 2 छात्राएं और 1 छात्र 4 घंटे से अधिक समय तक बेसमेंट के अंदर फंसे रहे। जब तक उनको रेस्क्यू किया जाता तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। इस हादसे के बाद छात्रों में रोष है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम, स्थानीय विधायक और पार्षद के खिलाफ नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि राउस आईएएस स्टडी सर्किल के ऑनर और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी एनआईए से बात करते हुए एक छात्र ने कहा, एमसीडी और कोचिंग संस्थान दोनों दोषी, उन्हें संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। एक अन्य छात्र ने बताया कि लगभग 20 से 25 छात्र कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में फंसे हुए थे। ज्यादातर खुद के प्रयासों से बाहर निकलने में और कुछ छात्र अंदर ही फंस रह गए। राउत आईएएस में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि हादसे के बाद दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा, न ही उनकी सुध ली। सोशल मीडिया पर हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो वायरल है, जिसमें सामान्य बारिश के बाद ओल्ड राजन नगर की बदहाल स्थिति नजर आ रही है। यह वीडियो राउत आईएएस स्टडी सर्किल के ठीक सामने से ही किसी ने अपने फोन में शूट किया था, जिसमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोचिंग सेंटर रोड के ठीक बगल में स्थित है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर कमर भर पानी लगा हुआ है। इतना पानी है कि बाइक और स्कूटी लगभग डूब भी जा रही हैं। वायरल वीडियो में राउस आईएएस कोचिंग सेंटर की एंट्री गेट बंद नजर आ रही है। पानी लोहे के गेट के आधे हिस्से तक पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर के किसी स्टाफ को घर जाना था, इसलिए एंट्री गेट खोल दिया गया। गेट खुलते ही सड़क पर जमा पानी तेज धार के साथ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरने लगा। पानी इतना ज्यादा था कि करीब 12 फीट गहरे बेसमेंट को भरने में कुछ ही मिनट लगे और उसके अंदर मौजूद छात्र छात्राएं फंस गए। दरअसल राउस आईएएस स्टडी सर्किल के बिल्डिंग के बेसमेंट में ही अपनी लाइब्रेरी बना रखी है, इसलिए इतनी संख्या में छात्र बेसमेंट में ही मौजूद थे। हादसे के बाद दिल्ली मेयर डॉक्टर सैली ओबराय ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया कि दिल्ली भर में ऐसे सभी कोचिंग सेंटर जो एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में हैं और बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, जो भवन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और मानदंडों के अनुरूप नहीं है, उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के लिए तत्काल जाँच शुरू की गई है कि क्या इस हादसे के लिए एमसीडी का कोई अधिकारी जिम्मेदार है। यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।